जय हिंद और जोहार। झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार। झारखंड के ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आन पड़ी है लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बात करता। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड कोयले के लिए जाना जाता है, पूरे भारत का अधिकांश कोयला झारखंड से निकलता है और टोटल कुल कोयले का 1/4 यानी कि 25% हिस्सा अकेले झारखंड राज्य देने का काम करता है। झारखंड राज्य जहां कोयले का भंडार है, उसी भंडार में हमारे लिए एक श्राप छोड़ करके चले गए ब्रिटिश सरकार और भारत के कुछ पूंजीपति उद्योगपति। उसी की केस स्टडी में आज आप लोगों के सामने करने वाला हूं कि कैसे झारखंड का झरिया 150 सालों से आग की लपटों से जल रहा है, पूरा शहर जल रहा है, ना जाने कितने लोग मर गए, ना जाने कितने लोग पाताल लोक में चले गए, ना जाने कितनी जनता इससे त्राहिमाम है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बात करता। इसके बारे में आज मैं बात करूंगा, डिटेल में आप लोगों के सामने बात करूंगा। क्या हुआ पापा? बस पापा बोला बेटा अंदर जाने लगा, पापा पकड़ा, साथ दोनों। कल्याणी सुबह 7:45 शौच के लिए गई थी। इस दौरान अचानक जमीन धस गई और कल्याणी 20 फुट नीचे जिंदा दफन हो गई। जमीन के जो है फट जाने से पांव दब गया, डैमेज हो गया था, तो पैर कट गया। 3-10 को जो है इनका हाथ कटा, समझे ना, सेप्टिक पकड़ लिया था हाथ में। उसके बाद विकास भवन जो BCCL का जो है जिस जगह पर हुआ था उस कार्यालय को हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए, मगर BCCL का मेजरमेंट आज तक के जो है ना वार्ता के लिए बुलाया, ना इनको एक रुपया के लिए मदद के लिए कोई BCCL का मेजरमेंट आया, ना CMD आया, ना DP आया, ना कोई अधिकारी आला अधिकारी कोई नहीं आया आज तक के मुस्कान को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट केस स्टडी को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं झारखंड के हर एक नागरिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। मैं कमी नहीं बोलता और जब वीडियो पसंद आएगी आपको लगेगा कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखी, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। देखिए जी, जब हम लोग झारखंड के बारे में बात करें, यह झारखंड का कोलियरी एरिया है। थोड़ा सा फोटो आपको धुंधला नजर आ रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले इतिहास को हम लोग जानते हैं कि आखिर झरिया में नीचे आग कैसे लगा, जमीन के नीचे आग कैसे लगा। आपको पता है कि झरिया झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाला स्थान है। झरिया में कोकिंग कोयला पाया जाता है और झरिया का जो कोयला है वो कोकिंग कोयला के लिए ही फेमस है। आपको पता है कि सबसे पहले 1866 ईस्वी में जब ब्रिटिश आते हैं भारत में, ब्रिटिश का जब यहाँ पे शासन होता है, 1866 ईस्वी में झारखंड के झरिया में सबसे पहले कोयला का प्रमाण मिलता है कि इस स्थान पे कोयला है। और आपको पता है कि जैसे ही कोयला के बाद वहाँ पे प्रमाण मिलता है, ब्रिटिश सरकार आ जाती है, वो तो देश को लूटने के लिए तो हमेशा आगे रहता है। तो ये किसी सोने से, किसी हीरे जवाहरात से कम थोड़ी है। कोयले की खदान झारखंड में मिलना यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ब्रिटिश सरकार 1894 ईस्वी में उत्खनन शुरू कर देता है। 1866 में खबर मिलता है कि झारखंड में यहां कोयला है और 1894 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार है वो माइनिंग शुरू कर देता है। क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उस समय कोयले की खुदाई प्राइवेटाइजेशन था, प्राइवेट रूप में होता था, इसलिए जब ब्रिटिश सरकार शुरू करता है तो भारत के जो उद्योगपति उस समय भी उद्योगपति हुआ करते थे, तो गुजरात का एक उद्योगपति भी आता है 1894 ईस्वी में, सेम डेट में, यानी कि सबसे पहले ब्रिटिश शुरू करता है और उसके कुछ दिनों के बाद ये गुजराती उद्योगपति भी आता है जिसका नाम रहता है खुराराम। तो खुराराम, सेठ खुराराम जो है, जो गुजराती रहते हैं 1894 ईस्वी में, एक तरफ ब्रिटिश सरकार और एक तरफ भारत का एक उद्योगपति खुराराम, ये मिल करके झरिया में माइनिंग शुरू करते हैं। 1916 ईस्वी में अंडरग्राउंड माइन में पहली बार आग लगने का पता चलता है। ये जो सेठ खुराराम है इन्हीं का एक माइनिंग एरिया रहता है, एक माइनिंग एरिया के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कि ये एरिया आपका ब्रिटिश सरकार के लिए है, ये खुराराम के लिए, इस तरह करके माइनिंग एरिया बना हुआ रहता था। तो इन माइनिंग एरिया में से एक ऐसा खुराराम का एक ऐसा माइनिंग एरिया रहता है जहां नीचे जमीन के नीचे आग लगी रहती है। जब खुराराम को इस बारे में पता चलता है, उसके लोग बताते हैं कि सर जमीन के नीचे यहाँ आग की लपटें दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या करें? खुराराम बोलता है कि इस माइन को छोड़ करके, इस एरिया को छोड़ करके तुम अगले जगह में खुदाई करना शुरू करो। यानी कि देखो उस समय किस तरह के लोग हुआ करते थे। अगर खुराराम उस समय बोल देते कि इस माइनिंग में, इस एरिया में आग लगा हुआ है, तो शायद उस आग को बुझाना संभव था, लेकिन आज के डेट में यह असंभव हो गया है दोस्तों। बहुत मुश्किल है उस आग को बुझाना। देखो पूरी घटना को समझिए, आपका दिल दहल जाएगा। 8 नवंबर 1930
यह वह दिन है जब खुराराम समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। 8 नवंबर 1930 ईस्वी में सेठ खुराराम का एक माइनिंग एरिया जिस पर उसका बंगला भी था वो जमीन के अंदर धंस जाता है। तो खुराराम जिसकी वजह से ये आग की लपटें बढ़ी उसी का घर उसी के माइनिंग एरिया में जाकर के धंस गया। तब इसको पता चला कि उस समय मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जब यह घटना होता है देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक कार्टून का सहारा लिया है कि यहाँ पे देखिए कि घर जो है जमीन के नीचे चला गया और यहाँ पे कुछ फायर ब्रिगेड के लोग जो है इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई घर में आग थोड़ी लगाए जो फायर ब्रिगेड के लोग बुझा देंगे, ये तो पूरे जमीन के नीचे आग फैल गया है, अब इसको आप कैसे बुझाएंगे। लोकल जो लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब ये कल के दिन में हम लोगों को बहुत बड़ा चीज भुगतना पड़ेगा। और आज के डेट में धनबाद का ये हाल हो गया है कि कब ये जमीन कहाँ पे खिसक जाए, कब कौन सा इंसान पाताल लोक में चला जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करें 1971 ईस्वी में, यहां तक लगातार आग का प्रमाण मिलता है। खुराराम भी अब क्या करे, प्राइवेटाइजेशन था, रोजी रोटी तो चलाना पड़ता है। इसी तरह आग के बीच 1916 से लेकर के 1970 तक लगातार खुदाई जारी रहती है, आग की लपटें मिलती है। अब लोगों के लिए आम बात हो चुकी थी, आग की लपटें मिलती थी जमीन के नीचे, एक तरफ कोयला निकल रहा है, एक तरफ मेघमा निकल रहा है, मेघमा के साथ उस कोयले को, मैं एक वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा। कि मेघमा के साथ उस कोयले को निकाल लिया जाता था, कोयला को पानी के साथ ठंडा किया जाता था और उसे बेच रहा है। दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि इस आग से कल का दिन में क्या होगा, वो कहां चला जाएगा, बस पैसे से मतलब है। आप देखिए कि क्या है, 1971 ईस्वी में कोयल माइनिंग एरिया नेशनलाइजेशन हो जाता है। आपको पता है 1970 ईस्वी में जितने भी माइनिंग एरिया थे सरकार जो है अपने अधीन कर लेती है, सारा भी प्राइवेटाइजेशन जो है खत्म हो जाता है। इसीलिए प्राइवेट माइनिंग कंपनी को जो लाइसेंस दिया गया था वो सारे कैंसिल हो जाते हैं, है ना, वो सारे लाइसेंस को बंद कर दिया जाता है। आगे बात करें, आपको पता है कि उसके बाद 1971 ईस्वी में भारत सरकार की BCCL यानी कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में स्थापित होती है 1971 में। 1971 से ये अपने अधीन कर लेता है माइनिंग एरिया को। पहले जो कोयला निकाला जाता था ये अंडरग्राउंड माइनिंग के मेथड से निकाला जाता था, मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। बाद में ये माइनिंग जो है ओपन पिट माइनिंग कर दिया गया। पहली गलती तो खुराराम से हुई और दूसरी गलती यहां पे सरकार से हो गई। पहले अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये होता है कुछ अंडरग्राउंड माइनिंग। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आप देखिए कि ये जमीन है, नॉर्मल समतल जमीन है, यहाँ पर एक जगह छेद किया जाता है और उस छेद में ये देख रहे हो कि लिफ्ट के माध्यम से लोग नीचे जाते हैं। और इस तरह से मान लो कि यहाँ पे एक समतल एरिया है, कोई समतल एरिया है, यहाँ से काटते हुए लोग जो है कोयला निकालना शुरू करते हैं और अंदर तक चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं इस तरह से माइनिंग निकलता है। फिर उसके नीचे लोग जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाता है कोयला का भंडार, फिर यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। तो इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप होने के कारण कभी कभी क्या होता था ना, ये टूट के आपका नीचे गिर जाता था, ये टूट के आपका नीचे गिर जाता था, जिसके कारण जमीन धंसने के लोग जो है दब के मर जाते थे। ये घटनाएं तो आम बात है माइनिंग एरिया में, तो ये सब जो टूट करता था और लोग धंस जाते थे, सरकार बोलता है कि ये जो है बड़ा सही चीज नहीं है, इसके कारण आए दिन बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती है, इसके कारण हम लोग इस माइनिंग मेथड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, इस तरह से माइनिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग माइनिंग का कौन सा रास्ता अपनाएंगे, तो ओपन पिट माइनिंग हम लोग रास्ता अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सरकार से सबसे बड़ी भूल रही, कैसे हम बताते हैं। कोई भी आग को जलने के लिए क्या होता है, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, ऑक्सीजन। इस तरह में जब हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग किया करते थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलता था, यानी कि आग की लपटों को, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ छोटा सा तो गड्ढा है तो नीचे ऑक्सीजन कितना ही होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती थी, मजदूरों को सांस लेने में भी दिक्कत होता था। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण आग की लपटें आगे नहीं बढ़ती थी, क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग ओपन पिट मेथड का इस्तेमाल किए, ये है ओपन पिट मेथड, जैसे कि ये समतल एरिया है, धीरे धीरे काटना शुरू कर रहा है, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे काट करके हम लोग रास्ता बना रहे हैं, यहाँ पे देखो कि रास्ता बना रहे हैं, और रास्ता बनाते बनाते आप लोग नीचे जा रहे हैं, देखो जेसीबी से खुदाई चल रही है। तो ये क्या होता है ना कि बहुत कम एरिया में धीरे धीरे आप देखे होंगे खदानों का मॉडल इस तरह से देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं ओपन पिट मेथड। लेकिन आप देखो कि इस जगह पे पूरा तो धीरे धीरे एरिया और क्या हो रहा है, खोखला होता जा रहा है। अरे तो आग की लपटें ज्यादा पकड़ेगी कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा ऑक्सीजन के सप्लाई के कारण यहाँ की आग की लपटें जो पहले के मुकाबले, जो घटनाएं 1 साल में 1.5 साल में 2 साल में हो रही थी, अब महीनों में होने लगी।
लोग जमीन के नीचे हर महीने धंसने लगे, जमीन के नीचे पाताल लोक में कई सारे घर चले गए, कई सारे गांव तबाह हो गए, यही ओपन पेज मेथड के कारण। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है, तो सरकार ही ये बात को डिजर्व करता है। ये आग अगर लगाया है तो आग को बुझाने की भी जिम्मेवारी उसी की। आगे हम लोग बात करें, देखिए जी, भूगर्भ में जल रहे कोयले से पूरा झरिया खोखला हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, घर और इंसानों को पाताल काल में चले जाना यहाँ आम बात है। नॉर्मली लोग चले जाते हैं तो बोलता है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कई लेकिन लोग रहते हैं। आपका सवाल होगा कि सर, जब लोगों को पता है कि यहाँ पर आग लगा हुआ है तो लोग वहाँ पर रहते क्यों? ये सारा सवाल है बाबू पापी पेट का। पापी पेट ऐसा चीज है ना कि इंसान को मरने पर भी विवश कर देता है। जब BCCL आया झारखंड के झरिया में, झारखंड के धनबाद जिले में झरिया में जब BCCL आया तो सब लोगों के लिए घर तो बना दिया, लेकिन रोजगार कुछ लोगों को दिया। जो नॉर्मल लोग थे, जो आम लोग थे, जो कहीं ना कहीं कोलियरी फील्ड पे ही डिपेंडेंट थे, उन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला तो लोग क्या करते बेचारे? उन लोगों को रहने के लिए घर तो दे दिया गया, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण वो लोग जो है मजबूर हो गए। और यहाँ घर सामने नहीं, वहां से 10 किलोमीटर दूर। तो कोई भी 10 किलोमीटर दूर अगर किसी मजदूर को घर मिला है तो वहां से वो डेली 10 किलोमीटर आएगा, फिर काम करेगा, फिर 10 किलोमीटर जाएगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण वे लोग वहीं पे रह रहे हैं आज के डेट में भी। आज भी अगर मैं बात करूं उन्हीं आग के लपटों के बीच में, यहां बगल में आग के लपटे निकले हुए, नीचे देख रहा है कि जमीन जला हुआ है लेकिन वहीं पे रहता है। अरे कई बार कई महिलाएं ऐसे होती है कि उन आग के लपटों में खाना बनाती है, कब वो नीचे चला जाएगा, कितने लोग मर गए इसका कोई गिनती ही नहीं है, है ना? सैकड़ों की तादाद में आज तक लोग जा धंसे हैं। और वो दिन तो झरिया पूरा खोखला हो गया, कई सारे गांव खंडर हो गए जी, कई सारे लोग खत्म हो गए। कभी ऐसा ना हो कि झरिया पूरा पाताल लोक में समा जाए और इतना बड़ा नरसंहार हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? आज भी डेट है, उस चीज को कैसे सुधार होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हर एक दो महीने में एक से अधिक घटनाएं सुनने को मिल जाती है कि आज ये जमीन में धंस गया, आज वो इंसान मर गया। झरिया कब पाताल में समा जाएगा इसकी कोई पता नहीं। पैसे वाले लोग जितने लोग थे उस समय झरिया छोड़ करके दूसरे शहर में चले गए, लेकिन सरकार जो है झरिया से 10 किलोमीटर दूर जिस गांव का नाम है बेलगरिया में एक टाउन बनाते हैं और टाउन में गरीब और लोकल लोगों को रहने के लिए घर देते हैं फ्री में। वासियों को फ्री में घर दिया जाता है लेकिन कोई रोजगार नहीं मिलता है। कुछ को रोजगार मिलता है, कुछ को रोजगार नहीं, क्योंकि ये लोग सारे लोग कोयला पे डिपेंडेंट थे, कोल पे डिपेंडेंट थे। कैसे कोयला वो लोग कैसे कोयला से पैसा कमाता है, ये सारी घटना आप लोगों को पता है। मैं दिखाना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से, वीडियो पे बने रहना। कि झरिया में अगर बात करें तो आज के डेट में 5 लाख से ज्यादा इसकी आबादी, 5 लाख से ज्यादा आबादी उस आग की लपटों के बीच रह रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार दे पाना भी मुश्किल है। अरे जाहिर सा बात है, अगर 1-2 हजार आदमी, 50-60 हजार आदमी रहता तो सरकार नौकरी भी दे भी देता, लेकिन 5 लाख लोगों को रोजगार कैसे दे? सरकार की भी एक समस्या होगी, लेकिन कोई ना कोई उपाय तो लगाना होगा ना। छरिया की आम जनता कोल फील्ड में जोखिम उठाकर काम करने को मजबूर है। अरे सिंपल सा बात है, रोजगार नहीं देगा तो रोजगार वो कोयला वेला लेकर के रोजगार कमाता है, उस कोयला से ही उसका रोजगार चलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन लोगों को घर किस तरह से मिला है। आप देख रहे हैं आगे में, अगर आप लोगों को दिखाऊं, देखिए यही सरकार ने, यही वो घर है जिन्हें कोलियरी फील्ड के लोगों को, जो झरिया के लोग थे, है ना, जो वहां पर बसे हुए थे, उन लोगों के लिए सरकार ने इस तरह के घर की सुविधाएं दी है। आप इनको क्वार्टर बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के घरों में वहां के लोग रहते हैं, घर पक्का मकान है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मकान बनाए गए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज है घर लेके क्या करोगे? अरे घर लेके क्या करेगा आदमी, भूखे मरेगा तो घर में बढ़िया घर रहने से क्या हो जाएगा, ठीक है? तो रोजगार उपलब्ध नहीं कराएगा तो आदमी कैसे वहां से निकलेगा बताइए? देखियो जी, आप यहाँ पे इस इमेज को देख पा रहे होंगे। इस इमेज में ये देखिए, ये जो है कुछ कच्चे मकान हैं और कुछ कच्चे मकान के बीच में यहाँ किसी का घर था, वो जमीन के अंदर जा धंसा है। अगर हम लोग बात करें झरिया के कोयला से, ये धनबाद शहर है जो झरिया के बगल में ही स्थित है, झरिया के कोयले से ये धनबाद का आप देख रहे हैं कि किस तरह से शहरीकरण हो गया, पूरा धनबाद शहर आपका विकसित हो गया झरिया के कोयले से। भारत में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाला स्थान, लेकिन वहां के जो आम जनता जो 100-150 साल 200 साल से वहां पे निवास कर रही है, उन्हीं का इतिहास आज खंडहर का रूप धारण कर लिया है। वो जनता क्या होगा? आपने देखा अभी कि झरिया के आसपास लगभग 5 लाख की आबादी है। कल के डेट में अगर सरकार उस चीज को सुधार नहीं करती है तो बताइए कि कल के दिन में वो पूरा झरिया पाताल लोक में जाएगा कि नहीं जाएगा, जिस हिसाब से वहां पे आग लग रहा है। आप बोलेंगे कि सर क्या इसका कभी ठीक करने का प्रयास नहीं हुआ? हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि धनबाद के झरिया में जो आग की लपटें लगी हुई है उसको ठीक करने के लिए जर्मनी से एक टीम आई थी जिसके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने बोला कि अंदर जो आग लगी है उस आग को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो अमाउंट था वो अमाउंट सरकार को पसंद नहीं आया। सरकार बोला कि इतना पैसा हम नहीं देंगे, तो मोल मोलाई किया, मोल मोलाई में जर्मनी जो है खुश नहीं हुआ।
जर्मनी बोला कि इतने बड़े एरिया में आग लगा हुआ है, इतना कम में नहीं होगा। तो पैसों की कमी के कारण या सरकार की कंजूसी के कारण ये आग नहीं बुझ सका। अब क्या करेगी सरकार? मैं आप सभी, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का काम करें कि झरिया आज चल रहा है। झरिया में ना जाने दोस्त कब वहां पे कौन जमीन के अंदर धस जाएगा। वहां के लोग मजबूर हैं, अगर वहां के लोगों को बचाना है, आप अगर उस क्षेत्र को नहीं बचा सकते, कम से कम वहां के लोगों को बचाइए, वहां पे लोगों को रोजगार दीजिए। 5 लाख लोग हैं, आपको 5 लाख लोगों को रोजगार देना होगा। कैसे दीजिएगा ये आप जाने और केंद्र सरकार जाने। केंद्र सरकार भी इसके तरफ ध्यान नहीं देते तो कल के दिन में बहुत बुरा हो जाएगा। झरिया आज जल रहा है और झरिया को इस जलते हुए आग से निकालने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिल करके है। आप कंजूसी करेंगे, आप कोयला निकाल रहे हैं, कोयला से जो पैसा आ रहा है वो तो आम जनता को देते नहीं, तो ये पैसा जाता कहाँ? मंत्रिमंडल के पॉकेट में जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पॉकेट में जाता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आम जनता का इस तरह से परेशान मत कीजिए, क्योंकि झरिया कल के दिन में खाक हो जाएगा। आपके कारण लाखों लोगों की मौत हो जाएगी और इसके जिम्मेवार कौन होगा? और उस समय अगर कुछ हो गया तो समझ लीजिए कि आपका हाल क्या होगा। तो आपको इस चीज़ को सुधार करना होगा। वहाँ की आग कैसे बुझेगी? आज के डेट में आप जर्मनी, ये जो टीम थे जो वापस चले गए, इसको वापस से बुलाया जाए, उस आग को ठीक करने की कोशिश किया जाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि झरिया के लोगों को रोजगार दिया जाए। वहाँ के जो लोकल लोग जो कोयले के खदानों में काम करने के कारण आग की लपटों के बीच रहने को विवश से, उन लोगों को कम से कम रोजगार दीजिए, उन लोगों को वहां से निकालिए, क्योंकि बहुत जोखिम है। कब, कौन, कहां, किस घड़ी में पाताल लोक में वहां समा जाए, आप खुद समझिए ना। आग की एक छोटी सी चिंगारी जब अगरबत्ती जब हमारे शरीर में जलती है तो कितना जलन होता है। कोई इंसान समूचा एक जमीन के अंदर चला गया गर्भ मेघमा में और उसके लाश तक नहीं मिली। कई सारी ऐसी घटनाएं मिली, आप डॉक्यूमेंट्री में देखिए अभी कि किस तरह से लोगों की जान गई है वहां पे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के झारखंड से रिलेटेड में वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।